हाय आमिशान एंड वेलकम टू फिजिक क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर पर। ओके, सो रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले हम बात करनी पड़ेगी पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वे वर्क करते हैं डीसी सोर्स पर, बट जो हमारा जो पावर सप्लाई होता है वो होता है अल्टरनेटिंग, दैट्स मीन एसी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एसी को डीसी में चेंज करने के लिए एक सेक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर चार सेक्शन होते हैं। एक फर्स्ट आपका ट्रांसफार्मर, सेकंड रेक्टिफायर, थर्ड फिल्टर एंड फोर्थ आपका रेगुलेटर। बट हमें डिस्कस करना है केवल यहाँ पर रेक्टिफायर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई क्या है। पावर सप्लाई एक सेक्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। दिस सेक्शन विच प्रोड्यूस डीसी, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। सो ये आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम क्या देते हैं? एसी। ओके, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि एसी सोर्स को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद क्या आता है आपका? ये आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ओके, रेक्टिफायर क्या करते हैं कि जो स्टेप अप या स्टेप डाउन, ओके, जो आपका सोर्स एसी सोर्स मिला है उसको रेक्टिफाई करना, मतलब एसी को डीसी में चेंज करना। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, वो होता है फिल्टर। फिल्टर तो आप जानते हैं जो फिल्टर करता है। हमारे पास यहाँ पर डीसी के साथ एसी कंपोनेंट भी होते हैं। ओके, तो एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? फिल्टर। एंड फिल्टर के बाद क्या आता है? ये आता है रेगुलेटर। ओके, रेगुलेटर का काम है जो आपका फिल्टर के बाद जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा उसको रेगुलेट करना, उसके वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो ये है आपका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में हम बात करने वाले आज रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको एसी को चेंज करता है डीसी में। ओके, सो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी सोर्स को चेंज किस में करता है? डीसी में, दैट्स कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर हम यूज करते हैं पीएन डायोड। ओके, पीएन डायोड के यूज के बेस पर हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर है। पहला आपका हाफ वे रेक्टिफायर एंड सेकेंड आपका फुल वेव रेक्टिफायर। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम केवल बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में, बिकॉज वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। ओके, सो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखें हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने से पहले हमें यहाँ पे इसको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है? एक पीएन डायोड होता है। तो ये आपका पी एंड ये आपका एन, जो आपका आउटपुट है वो क्या मिलता है? लोड रेजिस्टेंस पर। तो ये आपका सपोज के लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? डीसी होगा। ये आपका इनपुट है, इनपुट कैसा है? एसी। आउटपुट कैसा है? एसी। ओके, ध्यान रहे कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को जो सिग्नल मिला किससे मिला? ट्रांसफॉर्मर से। ओके, सो ये आपका सिग्नल है एसी, जो किसको मिला? रेक्टिफायर को। इस रेक्टिफायर के अंदर क्या है? एक पीएन डायोड है। अब देखो रेक्टिफायर की वर्किंग को समझने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी पीएन जंक्शन की। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, अगर पी और एन, फॉर, फॉर का मतलब है कि पी पॉजिटिव टर्मिनल से एंड नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। ओके, फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि ये आपका ऑफर करेगा किसको? लोअर रेजिस्टेंस को। ओके, किसको? लोअर रेजिस्टेंस को। तो ये था आपका फॉरवर्ड बायस। सेकंड केस, अगर यहाँ पे क्या करते हैं? इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब है कि पी नेगेटिव टर्मिनल से और एन पॉजिटिव टर्मिनल से, वो क्या होता है आपका? रिवर्स। रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है,
हाई रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती। ओके, तो ध्यान रहे अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होगा, अगर रिवर्स बायस तो करंट फ्लो नहीं होता। अब यहां पे देखिए, हमने इसको प्रोवाइड कराया क्या, एसी सोर्स, मतलब एसी। ओके, एसी क्या होता है कि ये आपका फ्लक्चुएट होता है। ओके, तो हमें पता है कि जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 50 टाइम्स अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इसके बाद दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, या कहते हैं ऑन ऑफ। ओके, अब सपोज कीजिए फर्स्ट हाफ जो पॉजिटिव है वो कहां पर आया, इनपुट पर। ओके, इस साइड को लगा हुआ पिन, इस साइड एन। अगर फर्स्ट हाफ इनपुट पे आता है तो पी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, एन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ध्यान रखिए फर्स्ट हाफ के लिए, इसके लिए फर्स्ट हाफ के लिए, तो फर्स्ट हाफ के लिए पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। तो इस केस में वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ओके, तो यहां पे देखिए आउटपुट डायग्राम, तो आउटपुट ग्राफ क्या होगा, फर्स्ट हाफ के लिए करंट को अलाउ कर दिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हाफ के लिए, नेक्स्ट हाफ क्या है, नेगेटिव। जब नेगेटिव आपका इनपुट पे आता है तो जो पी है वो तो बन जाएगा नेगेटिव और एन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इस केस में आपका जो जंक्शन है वो कैसे होगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस के अंदर हाई रेजिस्टेंस होते हैं जिस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव के लिए कोई करंट फ्लो नहीं होती कहां पर, इनपुट के अंदर। ओके, फिर आपका क्या आता है नेक्स्ट, पॉजिटिव तो करंट फ्लो होगी। ओके, फिर आपका करंट फ्लो नहीं होती नेक्स्ट नेगेटिव के लिए, तो ये आपका चलता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाफ वेव के अंदर केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होता है, करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर।